संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस पर महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में समागम की सारी तैयारियां बताने वाले हैं कि क्या इस समागम में होने वाला है, कौन कौन से पकवान इस समागम में बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी विशाल जो है गेट बनाया गया है जिस पर लिखा गया है, आप जैसा देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस पर अमरवाणी अखंड पाठ विशाल भंडारे का आयोजन सतलोक आश्रम बैतूल में किया जा रहा है। तो अभी हम यहां से अंदर जाएंगे और आपको सारी व्यवस्थाएं दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं होने वाली हैं और कौन कौन से जो है पकवान बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, मेन गेट से अंदर आने के बाद यहाँ हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े जो है फ्लैक्स बैनर लगाए गए हैं जो कि इस महासमागम की शोभा बढ़ाएंगे। तो थोड़े से और अंदर आने के बाद यहाँ पर हमें एक और, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा विशाल जो है गेट देखने को मिला है जिसपे वही लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम की तैयारियां। तो अभी हम और आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेन गेट से अंदर आने के बाद यहाँ पर हमें एक जूता घर नाम से एक व्यवस्था देखने को मिली है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही है। यहाँ पर जो श्रद्धालु समागम में आते हैं उनके जो जूते चप्पल हैं वो जमा कराए जाते हैं ताकि उनके जो जूते चप्पल हैं वो गुम ना हो, और उनको एक टोकन दिया जाता है। तो इसके बारे में जो जानकारी और भी अधिक जानकारी है वो हम इनके जो सेवादार लगे हुए हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सत्साह सर, ये यहाँ पर क्या कौन सा समागम होने जा रहा है? ये गरीबदास जी का बोध दिवस है, इस उपलक्ष्य में यहाँ सभी सेवादार अभी एकत्रित हुए हैं। और दोस्तों, अभी हम आपको जो जूता घर की व्यवस्था है उसका जो पूरा व्यवस्था की गई है उसको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं उनके जो जूते हैं वो स्टोर करके रखे जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थैले उनने बना रखे हैं जिन पर टोकन के नंबर लिखे हुए हैं और वो टोकन श्रद्धालु को देते हैं। दोस्तों, जूता घर के ठीक सामने यहाँ पर हमें एक टेंट देखने को मिला है जिसमें काफ़ी मतलब तैयारियाँ हो रही हैं, कुछ फ्लैक्स भी रखे हुए हैं, पर पता नहीं यहाँ पर किस चीज़ की तैयारियाँ हो रही हैं। तो आइए, यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्था बनाई जा रही है। नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। सर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंट है जो कि वाटरप्रूफ टेंट लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था बनाई जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है जिसमें गुरु जी के आदेश अनुसार यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जा रही ताकि कोई भी जैसे जगत के लोग आते हैं, कोई भी नया बंदा आता है तो उसको समझने में आसानी हो भगवान। तो प्रदर्शनी में क्या रहेगा, मतलब आपको? परमात्मा जैसे गरीबदास जी महाराज जी मत को परमात्मा सतलोक लेके गए थे, वहाँ की यात्रा कराए थे और वहाँ का नज़ारा दिखाए थे, तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम 3D में कटआउट लगा रहे हैं, उसके माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि कैसे परमात्मा ने उस समय लीला। तो आप 3D के माध्यम से ये चीज़ दर्शा रहे हो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में कि संत गरीबदास जी महाराज जी को जो परमात्मा जी मिले थे तो वो किस टाइप से मतलब उनको मिले और कहाँ सतलोक लेकर गए थे, तो आप ये सब बताना चाह रहे हो? जी भगत जी, जैसे संत गरीबदास जी महाराज जी को 12 साल की उम्र में ही उन्होंने सतलोक का नज़ारा दिखा दिया था कबीर भगवान ने, उसी का हम थोड़ा सा स्वरूप थोड़े से शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं प्रदर्शनी के माध्यम से। तो सर, ये प्रदर्शनी जो आप बना रहे हो ये कब तक बन के रेडी हो जाएगी? बस आज नाइट में कंप्लीट कर देंगे भगत जी। सच ठीक है सर, धन्यवाद। सच्चाई जी। दोस्तों, थोड़े से और आगे आने के बाद यहाँ पर हमें एक बाउंड्री मिली है जिसमें छोटा सा गेट लगा हुआ है और गेट पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि सत साहिब का झंडा लिए हुए हैं। तो आइए इनसे जानेंगे कि ये जो झंडा लिए हुए हैं और ये यहाँ पर खड़े हुए हैं किस लिए खड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब भाई। सर, आप यहाँ पर गेट पर खड़े हुए हैं झंडा लेकर के, तो इसका क्या कारण है, क्या किस लिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं? यहाँ सिक्योरिटी सेवा चल रही, जहाँ से बहन जी और छोटे छोटे बच्चों को बाहर नहीं जाने देना है घूमने के। मतलब आप यहाँ पर सिक्योरिटी देख रहे हैं, आश्रम की जो सिक्योरिटी होती है उसको आप देख रहे हैं? जी भगत जी। ठीक है जी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो झंडे लेकर जो लोग खड़े हुए हैं ये सारे सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हैं, मतलब जो आश्रम की सिक्योरिटी होती है, जो अव्यवस्थाएँ हो जाती हैं जो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो सत साहिब का झंडा लेकर के लोग खड़े हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर एक विशाल जो है सत्संग सेट बनाया गया है जहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर एक साथ बैठकर सत्संग सुन सकते हैं, और सुना है कि यहाँ पर
कुछ पकवान भी बनाए जा रहे हैं, जिसका उसका भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पकवान जो है बनाए जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भंडारा साइड में, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में पकवान बनाए जा रहे हैं। तो आइए हम आगे चल के देखते हैं कि जो पकवान है वो किस टाइप के पकवान बनाए जा रहे हैं और कौन कौन से जो मीठे में पकवान बनाए जा रहे हैं वो किस टाइप के हैं। तो यहाँ हम देखने को मिला है हमको यहाँ पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो कि बूंदी के लड्डू हैं, और हमें यहाँ पर देखने को मिला है और यहाँ हमको सुनने को मिला है कि ये जो लड्डू हैं वो प्योर घी में बनाए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करके पता करेंगे कि यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है। तो सर यहाँ पर तो हमने देखा जैसा कि यहाँ पर बूंदी बनाई जा रही है, जिनके लड्डू बनाए जा रहे हैं, पर यहाँ उनके सामने जो भट्टियाँ जल रही हैं जिन पर कुछ लोग कुछ स्वादिष्ट सा बना रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या बना रहा है। तो उसके क्या बना रहे हैं सर? आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के समागम पर सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार तीन प्रकार के मिठाई व्यंजन पूरे समागम में आने वाले श्रद्धालुओं को देना है, जिसमें आपने अभी बताया लड्डू शुद्ध देसी घी में बन रहा है। इधर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो बर्फ़ी बन रहे हैं और बर्फ़ी निरंतर बनता जा रहा है। उसके बाद कल से जलेबी की भी हम सेवा की शुरुआत करेंगे। अच्छा, लड्डू तो थे ही और जलेबी भी थी, पर इस बार जो है बर्फ़ी का भी प्रबंध किया गया है सतलोक आश्रम बैतूल में। यही तो पूर्ण संत की दया होती है। आज परमात्मा की दया से जितने भी आश्रम है 11 हमारे सतगुरुदेव जी के सतलोक आश्रम, सभी में एक नया व्यंजन प्रसाद का शुरुआत हुआ है जो बर्फी है और आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। तो सर यहाँ पर जो जितने भी लोग आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उन सभी को दिया जाएगा या कुछ लोगों को यह बर्फी जो दिया जाएगा? हमारे गुरु जी पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में हम लोगों को समझने के लिए और उनका आदर सत्कार करने की शिक्षा देते हैं। जो भी आएंगे श्रद्धालु यहाँ भंडारा में ग्रहण तो करेंगे, साथ ही साथ घर ले जाने के लिए भी हमने उनकी व्यवस्था कर रखी है। उनको घर ले जाने के लिए प्रत्येक आने वाले जितने श्रद्धालु हैं प्रत्येक को मिठाइयों का एक पैकेट बांध कर दिया जाएगा जो यहाँ समागम पे बन रहा है। मतलब यहाँ पर तो जो लोग आएंगे वो तो पूरा खाएंगे ही जितना खा सकते हैं, उसके साथ साथ घर पर भी ले जाएंगे? जी बिल्कुल, घर पे ले जाने के लिए भी हमारे गुरुजी ने आदेश दिया है। तो सर घर पे जो ले जाएंगे उसका आप कुछ पैसे लेंगे या फिर वो भी फ्री में रहेगा? जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सतलोक आश्रम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किए जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क होता है और किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा यहाँ की किसी भी व्यवस्था के लिए इवन भंडारे के लिए नहीं लिया जाता। आपने तो सिर्फ मिठाइयों की बात कही, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रकार के भंडारे का भी व्यवस्था किया जाता है जो 24 घंटे बिना रुके चलता है। तो सर भंडारे में बर्फी तो रहेगी और उसके अलावा क्या क्या रहेगा? रोटी राम रहते हैं, सीजनल सब्जियां रहती है, चावल रहता है, पूरी रहती है और साथ ही साथ बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए दलिया की व्यवस्था है तथा जितने बच्चे और जो छोटे बच्चों के साथ माइयाँ आती हैं उनके लिए दूध की भी व्यवस्था है। आपको बता दूं ये सारे जितने भी प्रसाद हैं वो शुद्ध देसी घी में बनता है और बिल्कुल निशुल्क सबको दिया जाता है, 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। सर सतलोक आश्रमों में हमने एक विशेष चीज़ देखी है, यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के जो सेवादार होते हैं, जैसा कि आप सभी बताते हैं, यहाँ पर सभी जो पकवान होते हैं उनको जैसे बर्फी होती है तो उनको राम लगा करके बात करते हैं, तो इसका क्या कारण रहता है सर? जैसे लड्डू राम कहते हैं, बर्फी राम कहते हैं, तो इसका क्या कारण रहता है? हमारे गुरुजी ज्ञान देते हैं कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति उसी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि राम से ही हुई है, जो सबका कर्ता धरता है, सबका पालन पोषण करता है, वो कबीर परमात्मा रूप में राम है। इसलिए सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं उसे राम के रूप में संबोधित करते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं अन्न जल साहेब रूप है, यानी अन्न और जल जो है वो भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए उसे राम के आदर के साथ में हम देने वाले जितने श्रद्धालु हों उसको राम के रूप में उनको संबोधित करते हैं। सर आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।